केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष व राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का ने कहा है कि 500 साल बाद देशवासी अपने आराध्य भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाने जा रहे हैं। इस रोज दीपावली मनाई जाएगी। मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग प्रभु राम की प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, उनका नसीब ठीक नहीं है। समारोह में भाग न लेने का निर्णय लेना उनकी बुद्धि का फेर है। संजीव सिक्का क्षेत्र के वासिंदों के मोबाइल में नमो ऐप इंस्टॉल कराने के बाद firstbite.tv से वार्ता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यह कहा, ये हमारा सौभाग्य है, लगातार 500 वर्षों से हमारे आराध्य सनातन धर्म के आराध्य है, और मैं कहूंगा पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण हिंदू समाज या संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग या वो हिंदुस्तानी जो विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में रहता है, श्री राम सभी के आराध्य हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होने जा रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी आंखें उस शुभ अवसर को देखेंगी जिसे देखने के लिए लोग लालायित थे और सोचते रह गए, और 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन ये शुभ अवसर हमारे सामने आ रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। और पूरा देश, सभी लोग उस दिन अपने घर पर दिवाली मनाएंगे, और मोदी जी ने संदेश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि हम सब लोग सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, उसके आसपास के एरिए साफ करेंगे। हमने भी जो आए हुए सभी अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी यही संदेश दिया है कि 22 तारीख को हर घर दिवाली मनाई जाए, सभी जगह गली गली में संपर्क करके सभी के घरों पे अक्षत पहुंचाने हैं। सभी लोगों से आग्रह करना है कि अपने घर पे 5 दीपक कम से कम जलाएं, और सभी मंदिरों में कीर्तन हो और सभी मंदिरों में प्रसाद बटे, दिवाली हो पूरे देश के अंदर, ऐसा हम सब लोगों से अपील की है और ये हमारा सौभाग्य है। प्राण प्रतिष्ठा को भी बहुत से लोग राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, ये उनके चश्मे का फर्क है कि अगर वो प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिसमें उन्हें बुलाया गया है, उनका सौभाग्य है, और कुछ लोग इस सौभाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इसे भी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि शायद उनका नसीब ही ठीक नहीं है। नहीं, जिसे भगवान ने बुलाया है, जिस पे भगवान का बुलावा आया है, वो बुलावा चाहे किसी भी माध्यम से आए, चाहे विश्वेंदु प्रसाद के माध्यम से आए, भाजपा के माध्यम से आए, लेकिन बुलावा तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर का ही है ना। उसमें मना करना, मुझे लगता है कि शायद वो उनकी बुद्धि का फेर है, शायद उनके अच्छे दिन नहीं है। कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने इसे धार्मिक नहीं राजनीतिक आयोजन बताया है। ऐसा है कि उन्हें पता है इस बात का कि हमने इसमें सहयोग नहीं किया है, हमें जनता इस विषय पर स्वीकार नहीं कर रही है। उन्हें नहीं लगता कि प्रभु श्री राम से उनका भला होने वाला है, क्योंकि वे किसी और की शरण में चले गए हैं। और ये पूरा देश जो ये राम मंदिर वाला विषय इतना लेट हुआ है, इसमें भी उन लोगों का हाथ रहा है, शायद इसी शर्म के कारण वो वहां नहीं आना चाह रहे। मंत्री जी, आज आपने नमो ऐप को लेकर के एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी,
क्या रहा उसमें और इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि नमो ऐप से सभी लोगों को जोड़ें, अपने परिवार के सभी लोगों को जोड़ें और नरेंद्र मोदी जी का विषय पूरे देश के लोगों तक जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है वो पूरे 70 साल में किसी राजनीतिक दल उस विषय तक पहुंच भी नहीं पाया। जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया वो किसी ने विचार भी आज तक नहीं किया था। चाहे वो हर गरीब के घर पे शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे हर गरीब पे गैस कनेक्शन पहुँचाने का विषय हो, चाहे हर घर नल का जल पहुँचाने का विषय हो, चाहे हर घर पे बिजली का कनेक्शन का विषय हो, चाहे हर गरीब के लिए राशन का विषय हो, मोदी जी ने जिन बारे में विचार किया है वो देश की कोई भी राजनीतिक दल वहां तक विचार भी नहीं कर पाया। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के बीच मतभेद हुए हैं सीटों को लेकर, अब कांग्रेस जो है मन बना रही है बीएसपी के साथ जाने का, आपको नहीं लगता कि इससे समीकरण बिगड़ेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए? देखिए ऐसा है, भाजपा के लिए कोई समीकरण बिगड़ने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि जनता का हित किस में है, देश का हित किसकी पार्टी के साथ है, ये जनता समझ चुकी है। कोई गठबंधन नहीं है, किसी से कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ से जीत हो रही है, एक तरफ से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। तो उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप, 80 सीटों पर क्या देखते हैं भाजपा 80 सीटों? जब सारे दल मिलकर लड़े हैं, हमारी 64 सीटें आई हैं। अब की बार ये देखना कि ये आंकड़ा 80 सीटें है कहां तक पहुंचेगा। एक दो रह भी सकती है, हो सकता है कि 80 के 80 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। यानी देश में मोदी जी ने नारा दिया 400 के पार, 400 के पार तो निश्चित है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।